आदिवासी का बेटा, आदिवासी जो इस राज्य का मुख्यमंत्री है, उसको आपने झूठे केस में 5 महीने जेल के अंदर क्यों रखा? 1,36,000 करोड़ कोई छोटा रकम नहीं होता। तो कम से कम झारखंड का जो हक है, जो हमारा बकाया राशि है, वो राशि कम से कम हमको दे। हरियाणा और महाराष्ट्र से भी ज्यादा बुरा हाल आपका हम लोग झारखंड में करेंगे। दिल्ली को यदि उजाला में रखना है तो झारखंड को उसका हक देना पड़ेगा। आप सबको पता है कि कल 15 दिन के बाद पुनः प्रधानमंत्री जी झारखंड के दौरे पर आ रहे, हजारीबाग में उनका कार्यक्रम है। जो सूचनाएं आई प्रधानमंत्री के कार्यालय से, उसमें एकलव्य विद्यालयों के संबंध में कुछ घोषणाएं हैं, कुछ आवंटन है, साथ साथ जनजाति ग्रामीण उन्नयन के लिए भी कुछ योजनाएं हैं, उसके लिए भी कुछ घोषणाएं हैं राशि। चुनाव जैसे ही आ गया है सामने, माननीय प्रधानमंत्री जी को आदिवासी बहुत याद आने लगा, राष्ट्रपति को भी चुनाव का एक तंत्र बनाकर उनका भी नाम लिया जाता है। आदिवासियों के प्रति अचानक उनका जो प्यार उमड़ा है, यदि आज उनके जो 14 से लेकर जब से वो प्रधानमंत्री बने, तो कम से कम झारखंड का जो हक है, जो हमारा बकाया राशि है, वो राशि कम से कम हमको दे देते। क्योंकि गांव, देहात, शहर के अंतिम पायदान में खड़े हमारी बहनों को, माताओं को, युवाओं को, किसानों को, जो हेमंत सोरेन की सरकार ने 2019 में जनादेश के बाद जो योजनाएं चलाई, और हर प्रकार की योजनाएं, चाहे वो छात्रों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, उनके रोजगार के लिए हो, महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, तो उन योजनाओं में कुछ हम लोगों को आसानी हो जाता है। 1,36,000 करोड़ कोई छोटा रकम नहीं होता। कई राज्यों का वार्षिक बजट से भी ज्यादा है। ये बकाया है और आपके द्वारा सौगात बोल के घोषणा की जाती है। हमें सौगात नहीं चाहिए। हमने इस राज्य को भी खैरात में नहीं लिया है, संघर्ष और बलिदान पे लिया है। इसलिए हमको सौगात
से हमको मत भूलवाइए, हमको मेरा हक और अधिकार दीजिए। जो हमारा पैसा आपने अपने पास रखकर अपने कॉरपोरेट बंधुओं को दिया, अदानी को दिया, अंबानी को दिया, उनका पैसा आप रोककर हमें हमारा हक दीजिए, सक्षम है अपने राज को चला लेने के लिए। आपको आदिवासियों की इतनी चिंता थी तो एक आदिवासी का बेटा, आदिवासी जो इस राज्य का मुख्यमंत्री है, उसको आपने झूठे केस में 5 महीने जेल के अंदर क्यों रखा? यह जवाब झारखंड की जनता आपसे मांगती है। आरोप क्या था? एक फर्जी आरोप जिसे हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये तो केस बनता ही नहीं है, ना उनके नाम पर जमीन की रजिस्ट्री, ना उनके नाम पर कहीं से कोई खाता बही, लेकिन झूठे बयान दर्ज कर ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और आपका ईडी अपने मंत्री से जो आरोपी लोग हैं सेना के जमीन के घोटाले का, उससे मिलवाते हैं, जो वारंटी है उनसे मिलवाते हैं। आपको आदिवासियों की चिंता है? ये ढकोसलाबाजी नहीं चलेगा। झारखंड को चालाका बनने नहीं देंगे। जिस प्रकार रघुवर जी ने अदानी को गोड्डा में जमीन दे दी, कोयला दे दिया, पानी दे दिया और बिजली बांग्लादेश को दे दिया, ये दोबारा झारखंड में संभव नहीं। आपका सपना टूटेगा, आप सिंगल डिजिट में रहोगे। हरियाणा और महाराष्ट्र से भी ज्यादा बुरा हाल आपका हम लोग झारखंड में करेंगे। टिकट ग्रांटेड है क्या झारखंड? कि जो चाहे वो कीजिए आप, प्रधानमंत्री है तो न्याय कीजिए, अपने दोस्तों पर रहम मत कीजिए, अपनी जनता जनार्दन पे उसका जो अधिकार है उसको दीजिए। ये अजीब तरह का खेल शुरू हुआ है। हमने चुनाव आयोग से भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी झारखंड सबसे ज्यादा आते हैं चुनाव में, और उस वक्त सुरक्षा के नाम पे नो फ्लाइंग जोन हो जाता है। इस बार वैसा नहीं होगा, अभी चुनाव नहीं है, आपने घोषित किया है नो फ्लाइंग जोन। लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद यह व्यवस्था नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा हम भी चाहते हैं, पूरी चाक चौबंद रहे, लेकिन जब राजनीतिक जब प्रतिस्पर्धा हो तो समान रूप का मैदान। इसलिए कल उनको आने के बाद 1,36,000 करोड़ रुपए यदि नहीं मिला, उसकी घोषणा नहीं हुई, तो आगामी चुनाव में
झारखंड के लोग जो मेहनत कश लोग हैं, जो मेहनती महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो उनको सबक सिखाएंगी। हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं, इनको तो क्या मिला बोल के ये फंस गए, जनता के पास जा नहीं पा रहे। और हम कह रहे हैं हमने तो इतना दिया, लेकिन मिलेगा कब हमको पैसा? यही तो अंतर है दादा। ये बात है, अब सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे दिया, उसके बाद के पैसा नहीं मिला, क्या आप लोग कुछ कानूनी प्रक्रिया अपनाइएगा चुनाव के पहले चुनाव के बाद? देखिए, हम जानते हैं कि देश के लिए हम सबसे ज्यादा त्याग करने वाले लोग, हम देश को फौलाद की शक्ति बनाने वाले लोग हैं, देश को एटॉमिक पावर बनाने वाले हम लोग हैं। तो यदि जिस दिन हम लोग चाह लेंगे, यदि हम अपने राज्य की चौहत्ती बांध देंगे, तो दिल्ली अंधेरा हो जाएगा। दिल्ली को यदि उजाला में रखना है तो झारखंड को उसका हक देना पड़ेगा। दादा, गठबंधन की तरफ से रोटेशन मुख्यमंत्री की बात कही जा रही है, कांग्रेस के जो प्रभारी गुलाम अहमद, देखिए गुलाम अहमद मीर तो अभी कश्मीर में चुनाव भी लड़ रहे थे, लेकिन हमारे संगठन ने भी, और संगठन में भारी दबाव है कार्यकर्ताओं का, जो काम हम लोगों ने किए हैं पिछले 5 वर्षों में, कि सभी 81 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़े, और उसकी पूरी तैयारी हमारी है। यदि किसी को ये गलत फहमी होगा तो 2009 भी उनको याद रखना चाहिए। दो हजार चौदह भी याद रखना चाहिए। इसलिए मैं और ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। हम साझा सरकार चला रहे हैं और जुबान भी साझा होना चाहिए। हमने लोकसभा में उनको जीत कर दिया है, विधानसभा का चुनाव एकमात्र हमारे नेता, वर्तमान में मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, गुरु जी के आदर्श पर पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जो भी हमारे साथ आएंगे, हमारे नेतृत्व के तहत चलेंगे, उनका हम स्वागत करते हैं, अन्यथा 81 विधानसभा सीट पे सांगठनिक रूप से हम इतना मजबूत है कि हम यदि चुनाव लड़े तो हम कम से कम 55 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि आप आरोप पे कोई चीजें नहीं चलती। अभी 20 अगस्त को वोटर लिस्ट जारी हुआ और हर जिले का जो विधानसभा वार, जब लिस्ट की शुद्धिकरण होती है तो सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उसमें सहमति व्यक्त करते हैं। तो ये ऐसा एक प्रसंग है, और घुसपैठी उनको इसलिए नजर आता है कि बाढ़ सा आ गया भाजपा के अंदर में। कल तो मंच पे आप देखेंगे, यदि एनडीए का रैली होगा तो राजा पीटर भी होगा, वो राजा पीटर जो जदयू के ही सिपाही और मंत्री की हत्या करवाने वाला मूल
षड्यंत्रकारी हो और शहीद का बेटा के खिलाफ वहां पर यदि चुनाव लड़ेगा, ऐसा है भाजपा का चरित्र। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत सख्त टिप्पणी की है कि धर्म को राजनीति से दूर कीजिए, यही टीडीपी के सहारे आप हैं, यही नीतीश कुमार के सहारे आप हैं, और दोनों जिस प्रकार का नफरत और आतंक का राजनीति करता है और आप प्रधानमंत्री होकर उसकी स्वीकृति देते हैं, तो शर्म है ऐसा सरकार के चलाने पर।